कोरोना का युद्ध चल रहा है और कोरोना के युद्ध में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के कारण जो रंगकर्मी हैं, जो स्टेज परफॉर्मर हैं, वो अभी ऐसा नहीं लग रहा कि साल छह महीने उनको कोई मंच मिल जाएगा ताकि वो अपना कला का प्रदर्शन कर सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो पाए। तो हम सब एक रांची के झारखंड के कलाकार साथ बैठे थे, बैठकर हमने निर्णय लिया कि कैसे उनको आर्थिक रूप से मजबूत करें और कला के क्षेत्र में भी उनको मजबूत करें। तो कला के क्षेत्र में उनका प्रदर्शन हो, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, दूरदर्शन के माध्यम से हो, अन्य किसी माध्यम से हो, ताकि कला मरे नहीं, कला जिंदा रहे। उसी के लिए एक छोटा सा प्रयास है, इस प्रयास में आप सब साथ दें ताकि कलाकार जिंदा रहे, कला जिंदा रहे। नमस्कार, आभार अभिनंदन चौहान। प्रयास सुरमई गीतों के इस महफिल में बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। प्रयास एक नायाब सी कोशिश, संगीत से जुड़ी झारखंड की प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने की। दोस्तों, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी का भी ये प्रयास रहा है कि झारखंड की प्रतिभाएं आगे बढ़ें और यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी आगे बढ़े, और इसी प्रयास की पहली कड़ी को लेकर आज हम आपके बीच हैं। दोस्तों, हमारी पहली पेशकश देश के खातिर मर मिटने वाले उन शहीद जवानों को समर्पित है, और इसके साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स को हम डेडिकेट कर रहे हैं अपनी पहली प्रस्तुति। और इस प्रस्तुति के लिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी इसकी एक खासियत कि देशभक्ति की भावना से लबरेज ये गाना कर हर मैदान फतेह जैसे दमदार गीत को लिखने वाले शेखर अस्तित्व की भी खास पसंद रही है। तो आइए शिखर अस्तित्व की बातों को सुनते हैं और उसके बाद ये गीत। आप सभी कला प्रेमियों को गीतकार शिखर अस्तित्व का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन के लिए संपूर्ण आयोजक मंडल को धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस खूबसूरत कार्यक्रम में अपनी अपनी प्रस्तुति रखने वाले सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसके बाद मेरे प्यारे मित्र छोटे भाई धनंजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा, फरमाइश करूंगा कि वो मिट्टी गीत एक बार सुना दें। भाई मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ यह गीत मुझे बेहद पसंद है, मैं एक बार फिर से फरमाइश करता हूँ धनंजय जी से कि वो मिट्टी गीत सुना दें। शुक्रिया। तेरी नदियों में
सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। के संक्रमण के इस काल में कलाकारों को एक मंच देने के लिए इस कोरोना में रांची के सांसद आदरणीय श्री संजय सेठ जी ने जो पहल किया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने पहल की है, सचमुच में उन्हें धन्यवाद देते हैं। और अब अगला गाना कला को समर्पित उस जानदार और शानदार शख्सियत की याद में, जिन्होंने अपने अभिनय से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में एक बहुत अच्छी जगह बना ली। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ ऋषि कपूर की। यूं तो अगर हम पन्ने पलटे तो फिल्मी जगत में या सिल्वर स्क्रीन पर ऋषि कपूर जी की पहली एंट्री हमें श्री 420 के एक गाने में नजर आती है, लेकिन फिल्मों में उनकी विधिवत एंट्री मेरा नाम जोकर में होती है। और जिस फिल्म ने ऋषि कपूर साहब को हीरो नंबर वन बनाया, वो फिल्म थी बॉबी। भले ही ऋषि कपूर साहब आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी शानदार कला और उनकी प्रस्तुतियां हमेशा हमेशा के लिए उनके चाहने वाले के दिलों में बसी रहेंगी। तो आइए ऋषि कपूर जी को ही डेडिकेटेड हमारी अगली प्रस्तुति। वाले कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम्मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम्मत वाले। जीने का रंगीन मौसम, खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना। अपने
यही चार पल हैं, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम्मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम्मत वाले। सोचे जो हम्मत वाले, सोचे जो हम्मत वाले। स्थानीय सांसद श्री संजय सेठ द्वारा स्थानीय झारखंड के कलाकारों के लिए एक प्रयास किया जा रहा है पहल। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हमारे स्थानीय कलाकार अपना जलवा दिखा सकते हैं और आगे बढ़ने का अवसर ढूंढ सकते हैं। आज जब ये कोरोना काल है और सारे लोग अपने घरों में सीमित हैं, बाहर जाने में पाबंदियां हैं, कोई परफॉर्मेंसेस नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे समय में सांसद द्वारा किया गया यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, कहते हैं किसी कला को अपने अंदर उतार कर पर्दे पर उसे जीवंत कर जाना किसी बेहद संजीदा कलाकार के वश में ही होता है। और ऐसे ही बेहतरीन कलाकार इरफान खान को भी इसी साल हमें अलविदा कहना पड़ा, जिसे भारतीय फिल्म जगत में वो खालीपन आया जिसे भर पाना शायद मुमकिन नहीं। तावली सूरत और साधारण कदकाठी का एक नवयुवक गांव से निकल पड़ता है और फिल्मों की माया नगरी में अपनी कला की बदौलत इतनी मजबूती के साथ अपने आप को स्थापित कर जाता है कि लोग अचानक उसके दीवाने हो जाते हैं। जी हाँ, ये है इरफान खान, जिन्होंने अपनी कला को लोगों के दिलों में इस तरह स्थापित कर दिया, इस तरह बसा दिया कि वो आने वाले सदियों शताब्दियों तक वहीं पर बसी रहेंगी। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना इसको रहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता।
इस जहां में कहीं रूह बन कर मिलूंगा उसको, आसमां में कहीं प्यार धरती पर फरिश्तों से किया नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। सांसद संजय सेठ जी के एक पहल से लॉकडाउन के दरमियान जितने भी हमारे स्थानीय कलाकार थे उनको रोजगार से जुड़ने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है प्रयास की आज की कड़ी में। मित्रों, आज की ये सुहानी सी और खूबसूरत सी शाम अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। आप तो जानते ही हैं इन दिनों बारिशों का मौसम है और ये है चाहतों का मौसम। आपका इश्क भी जरूर परवान चढ़ रहा होगा और इस भीगे भीगे से मौसम में अगर बारिश की बात ना हो, बरसात की बात ना हो, तो ये थोड़ा बेमानी लगता है। क्यों भाई, हम बारिश की बात करेंगे और बारिश का गीत भी सुनाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे रचनाकार गीतकार अराफात महमूद के एक बहुत अच्छे से गीत के शब्द मुझे इस महफिल में और इस महफिल के फिजाओं में सुनाई दे रहे हैं। ये गीत आप तक पहुंचे इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं खुद अराफात महमूद। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। धनंजय आज़ाद मेरे छोटे भाई की तरह हैं और बहुत दिनों से हम लोग एक प्लान है कि हम लोग एक गाना साथ में करेंगे और मैं बहुत जल्द उसको इनवाइट भी करने वाला हूँ। मीनवाइल उसने मुझे खुशखबरी सुना दी कि उस बारिश जो मेरा एक सुपरहिट गाना था वो मैंने उनसे कभी रिक्वेस्ट की थी कि कभी तुम वर्शन बनाओ, तो वो खुशखबरी उन्होंने मुझे दे दी कि भैया मैं बारिश का वर्शन बना रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। हमने कहा अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो नोट ज़रूर भेजूंगा। तो जैसे उसकी खबर आई कि भैया मैंने वर्शन बना लिया है और इस वर्शन बनाने में वहाँ के जो एमपी हैं संजय सेठ भाई, उन्होंने उनको बहुत प्यार और सहयोग दिया है। मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ कि वो एक अच्छे कलाकार को बढ़ा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट धनंजय, माई लव विद यू। मेरी ये कहानी
तो सांसों से गुजरूं तो आए दिल को राहत। मैं हूं बेठिकाना, बना मुझको पाना है तुझ में दे इजाजत। न कोई दरमिया हम दोनों है यहाँ, फिर क्यों है तू बता फासले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। तो कहते हैं वक्त हमारी मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है और कण कण कर फिसलता जाता है हमारी मुट्ठी से और हमें पता ही नहीं चलता। ठीक ऐसा ही हुआ आज। देखिए ना, आपके साथ रहते हुए कब हम अपनी महफिल के और अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हमें पता ही नहीं चला। लेकिन यकीनन आज का ये कार्यक्रम, आज का ये एपिसोड बहुत यादगार सा रहा होगा। अब जब ये इशारा हो रहा है कि हमारी आपकी आज की मुलाकात का वक्त यही खत्म हो रहा है, तो एक वादा जरूर मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अपने प्रयास की अगली कड़ियों में झारखंड के ही और बेहतरीन कलाकार अपनी कला के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे, अपनी कला आपके बीच बिखेरेंगे। तो एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ माननीय सांसद महोदय का हमारी हौसला अफजाई के लिए, और बहुत आभार और बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमसे जुड़े आप तमाम लोगों का जिन्होंने पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारा साथ दिया और इतने प्यार से हमारे इस पहले एपिसोड को देखा। तो जरूर हमसे जुड़े रहिएगा हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में, हम आपका इंतजार करेंगे। लेकिन आज यहीं अपनी पूरी टीम के साथ मैं मीनाक्षी आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।